चतरा नगर पालिका लगातार एक्शन मोड में, सब्जी मंडी से अतिक्रमण को हटाया गया। चतरा उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर लगातार नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बता दें कि हाल के दिनों में चतरा शहर के बीचों बीच में नैकी तालाब को अतिक्रमण से मुक्त किया गया, वहीं आज सब्जी मंडी को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। चतरा अंचल पदाधिकारी भागीरथ महतो ने बताया कि हम लोगों ने पूर्व में लोगों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की बात कही, पर लोगों ने नहीं हटाया। आज पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की पूरी टीम मौजूद रहकर सब्जी मार्केट को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फुटपाथ पर सब्जी बेचने वालों को कहा कि यहां सब्जी मंडी में आकर सब्जी बेचे, नहीं तो रोड पर सब्जी बेचने वाले कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोड पर सब्जी बेचने से रोड में आवागमन बाधित होता है। इसको देखते हुए सब्जी मंडी को अतिक्रमण मुक्त कर सब्जी विक्रेता को यहाँ बैठाने को की कार्य को किया जा रहा है। पर्षद चतरा के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा ये प्रतिवेदित किया गया था कि जो सब्जी मार्केट चतरा में बना है उस पर कुछ लोगों के द्वारा इसको अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे सब्जी बेचने वाले को लोग रोड पर बैठकर सब्जी बेचते हैं, इस मार्केट में नहीं। इस पर विधिवत हम लोग ने अतिक्रमणवाद चलाया और आज इसको अतिक्रमण मुक्त हम लोग कर दे रहे हैं, ताकि जो सब्जी विक्रेता लोग हैं जो सड़कों पर बैठे हैं वो सब्जी मार्केट में आकर के बैठ सकें और अपना सब्जी यहाँ बेचेंगे। इससे होगा कि हमारे जो मेन रोड वगैरह है जहाँ जाम आदि लगी रहती है उससे भी हमें मुक्ति मिलेगा। सर, लोगों का कहना है कि कई बार ये ऐसा अभियान चला पर सक्सेस नहीं है। नहीं, ये अभियान अभी अतिक्रमण मुक्त हो गया ये तो सब सक्सेस है और हम लोग का पूरा प्रयास है, नगरपालिका पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, ये सब्जी बेचने वाले को सब्जी मार्केट में ही बैठ करके सब्जी बेचना है। जो नाली पे या फिर प्राइवेट जगह पे सब्जी दुकान खोले हुए मेन रोड में, उसका वजह से वहाँ से लोग हटते नहीं है। नहीं, और देखिए अभी हम लोग और जगहों को चिन्हित अभी किया जा रहा है, जहाँ हमें आवश्यक होगा वो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे और अतिक्रमण को हम लोग हटाएंगे।